लेकिन बड़ी तस्वीर जो यहां से उभरती है वो ये कि महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका अधिकार कहां है। संबित पात्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संबित जी, देखिए उत्तर प्रदेश की परिस्थिति को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा, लेकिन केंद्र में भी आपकी सरकार है और सवाल लगातार यही उठ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और जो भी सम्मान को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर बात है, वो किसी राज्य तक सीमित नहीं है। ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में हो रही है तो राजस्थान में भी हो रही है। और देखिए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, अगर इस साल के बीते साल के आंकड़ों की बात करें, 2019 के आंकड़ों की, तो ये दोनों स्टेट सबसे ऊपर है महिलाओं के प्रति क्राइम के मामले में। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मेरे पास एनसीआरबी का रिकॉर्ड भी है और एनसीआरबी में राजस्थान नंबर वन राज्य है जहां गैंगरेप की केस सबसे अधिक हुई हैं, जहां दलितों के खिलाफ एट्रोसिटी सबसे अधिक हुई हैं। और अगर आंकड़े बताए जाएं तो 902 गैंगरेप प्रति 1,00,000 महिलाओं पर राजस्थान में हुआ है। किंतु आंकड़े आंकड़े करना, मुझे लगता है ये बिल्कुल संवेदनहीनता भी होगी। चाहे एक रेप हो चाहे 910 रेप हो, रेप रेप होता है और प्रत्येक आत्मा को कष्ट होता है। आप देखिए, इसलिए इन विषयों पर राजनीति करना, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी राजनीति कर रही है, एक सिलेक्टिव राजनीति है। आप उत्तर प्रदेश जाना चाहती हैं क्योंकि वहां पर आपकी सरकार नहीं है। आप राजस्थान नहीं जाना चाहती है क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। यह एक संदेश भेजता है, और खास करके तब जब आप एक महिला नेत्री भी हैं और आपके आपके एम्बिशन उत्तर प्रदेश में है। अपने एम्बिशन को, अपनी महत्वाकांक्षा को फुलफिल करने के लिए आप एक राज्य में जाएंगी और दूसरे राज्य की महिलाओं के प्रति आपका दर्द नहीं रहेगा, तो सवाल केंद्र और राज्यों के सरकारों से ज्यादा जो केंद्र नेतृत्व है उस पर भी उठेगा। लोग ये सिलेक्टिविटी के विषय में जरूर पूछेंगे। संबित जी, आपके इस सवाल का जवाब हम सीधे, अब हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रियंका गांधी कब जाएंगी 12? मीनाक्षी, निश्चित तौर पर वो वहां भी जाएंगी, वो उत्तर प्रदेश भी आएंगी, क्योंकि जब अलवर में गैंगरेप हुआ था तब तो नहीं गई थी प्रियंका गांधी। देखिए, अब या तो मुझे थोड़ा सा संबित पात्रा की तरीके से जवाब देने का मौका दीजिए। अगर आप ही बोलती रहेंगे तो मैं क्या करूंगा। मैंने आपसे 2-3 बातें कही, मैं मेरी बात को शुरुआत तो हो जाने दीजिए। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं संबित पात्रा से सहमत हूं पूरी तरीके से। रेप रेप है, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, अलवर में हो, बारा में हो, बुलंदशहर में हो, बलरामपुर में हो, हाथरस में हो, और या फिर बागपत में हो, बहुत स्पष्ट रूप से इसमें महिलाओं के सम्मान को लेकर के कोई दो राय नहीं हो सकती। और जितनी कठोर शब्दों में निंदा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की होगी, उतने ही कठोर शब्दों में निंदा राजस्थान की सरकार की भी होगी। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हाथरस में पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश का शासन 15 दिन तक कान में रुई डाले बैठा रहा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार इस घटना को फेक बताते रहे, जिस तरीके से आगरा का पुलिस विभाग इस घटना को फेक बताता रहा, और उसके बाद इस घटना के बाद फिर बलरामपुर में वैसा ही विभत्स, और कल रात में बलरामपुर में, और उसके बाद आजमगढ़ और बागपत में भी उसी तरीके की हत्याएं रेप करने के बाद हुई। तो रेप के जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, प्रियंका जी पहले वहां आई है, उसके बाद वो राजस्थान भी जाएंगी, और चिंता मत कीजिए उतने ही कठोर शब्दों में बात की जाएगी, उतने ही कठोर शब्दों में निंदा की जाएगी। अब आपने अपनी बात कंप्लीट कर लिया तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। रेप, किसी भी रेप की इंटेंसिटी क्या है, ये कैसे तय होगा और ये कौन तय करेगा? और सबसे बड़ी बात, पूरे देश के सामने इस वक्त राजनीतिक दलों की जो तस्वीर उभर रही है, जो इमेज उभर रही है, मैं आपको उसकी असलियत बताती हूँ। वो इमेज ये उभरती है कि अगर उत्तर प्रदेश में रेप होता है, बलात्कार होता है, तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी चिल्लाएगी, क्योंकि उनको योगी आदित्यनाथ को घेरना है। लेकिन वही रेप अगर राजस्थान में होता है तो अशोक गहलोत से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सचिन पायलट से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, प्रियंका गांधी चुप रहेंगी, राहुल गांधी चुप रहेंगे, सोनिया गांधी चुप रहेंगी। और कांग्रेस पार्टी जो राजपथ पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करती है, इंडिया गेट पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करती है, बाकी मुद्दों पर ट्रैक्टर तक जला देती है इस समय में, लेकिन राजस्थान की परिस्थिति में वो खामोश हो जाएगी क्योंकि अपनी सरकार कटघरे में है। ये सेलेक्टिव अप्रोच जो है ना सुरेंद्र प्रताप जी, इस सेलेक्टिव अप्रोच महिलाओं के अधिकारों में, ये पूरे देश के सामने राजनीतिक दल जो है वो पूरी तरह से पर्दाफाश उनका हो चुका है।
मीनाक्षी बिल्कुल आपसे मैं मेरी बात को सुनिए, मैं सहमत हूं। सच्चाई ये है कि हम कांग्रेस वाले बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। मैंने तो आपसे कहा राजस्थान की गहलोत सरकार भी उसी तरीके से कटघरे में खड़ी होगी। और रही बात राजनीतिक नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ, आप अपने मीडिया को भी कटघरे में एक बार खड़ा कर लीजिए कि जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत मरा है उस दिन से लेकर के आज तक कम से कम 8,000 आत्महत्याएं हो चुकी है और 4,000 से ज्यादा रेप हो चुके हैं। इसको भी आप देखिए, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं आपको। आईना दिखाने से पहले एक बार आईना देख भी लिया कीजिए। ये जो आईना दिखाने की आप बात कर रहे हैं ना, ये जो आप आईना दिखाने की बात कर रहे हैं ना, नहीं नहीं नहीं, अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको बिल्कुल टोकूंगी। अगर आप गलत बोलेंगे, अगर आप रेप को लेकर जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे जहां पर आपकी सरकार है क्योंकि आपको जनता ने चुना है, तो मैं बिल्कुल आपको टोकूंगी। ये बिल्कुल मेरा अधिकार है आपको टोकने का। संबित पात्रा जी, ये जो तस्वीर उभरती है यहाँ पर, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सुरेंद्र राजपूत जी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, गलत को गलत एक्सेप्ट करने की बजाय उसकी जो ये लीपापोती की कोशिश हो रही है, जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी मुझे नहीं लगता यहां पर कुछ भी बदलने वाला है। देखिए मीनाक्षी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहली बात तो है, मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं। ये पूरा विषय मीडिया ने और खास करके आपके चैनल ने, मैं कल से देख रहा हूं, आपके चैनल ने एक इसमें जागरूकता भी फैलाई है। और मीडिया का काम एक जागरूक रूप से इस विषय को लेकर जनता तक जाना है, आपने वो काम बेखूबी निभाया है। दूसरी बात है, हमें यह समझना होगा कि आखिरकार पूरे देश में किसी भी राज्य में, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या वो कांग्रेस शासित राज्य हो, इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की विभत्स घटनाएं क्यों हो रही है।